अगली खबर आ रही है भोपाल से, जहां क्राइम ब्रांच ने तमंचे पर डिस्को करने वाले गुंडे को गिरफ्तार कर लिया है। भतीजे की मेहंदी रस्म में स्टेज डांसर लड़कियों के साथ गुंडे ने पिस्टल लहराते हुए वीडियो बनवाया था। वीडियो में वह मुझे हीरो ना बनना, विलन रहने दो गाने पर पिस्टल लहरा कर डांस करता दिख रहा है। पुलिस ने उसके पास से अवैध पिस्टल भी बरामद कर ली है। उसके खिलाफ पहले से ही 8 अपराध दर्ज हैं। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि लोगों के बीच रौब जमाने के लिए वह पिस्टल लेकर चलता है। वह पिछले 17 साल से अपराध में सक्रिय है। उसे पिस्टल देने वाले हथियार तस्कर की भी पुलिस तलाश कर रही है। एडिशनल DCP सैलेन सिंह चौहान ने बताया कि गली 1 राजगढ़ कॉलोनी छोला रोड गौतम नगर निवासी फुरकान उर्फ सेरू को गिरफ्तार किया गया है। 8वीं तक पढ़ा फुरकान पेशे से ऑटो ड्राइवर है। पुलिस को 4 दिन पहले सूचना मिली फुरकान अपने भतीजे की मेहंदी रस्म में स्टेज डांसर लड़कियों के साथ पिस्टल लहराकर डांस कर रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास पिस्टल मिली। पिस्टल में एक मैगजीन लगी मिली। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फुरकान के पिता भी ऑटो चलाया करते थे, उनके पास 7 ऑटो थे। फुरकान के 2 भाई और हैं, वे भी ऑटो चलाते हैं। उसका खास दोस्त इमरान 10 साल पहले एक मर्डर केस में 10 साल की सजा पा चुका है। पुलिस को फुरकान का जो वीडियो मिला है उसमें स्टेज पर 2 लड़कियां डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके पीछे फुरकान खड़ा है, वह कमर से पिस्टल निकालकर लहराने की कोशिश करता है। करीब 30 सेकंड का वह वीडियो हाथ में लिए दिखाई देता है। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही वह स्टेज से गायब हो गया। 13 दिसंबर को पुलिस को फिर से सूचना मिली कि मैकेनिक मार्केट छोला मरघट के पास खड़ा है। भोपाल में गुंडे बदमाश फेमस होने के लिए अलग अलग ट्रेंड अपना रहे हैं। महीने भर में पुलिस के पास ऐसे 8 वीडियो सामने आए जिनमें गुंडे बदमाश अपना वीडियो बनवा कर वायरल कर रहे हैं। दहशत फैलाने के लिए बदमाश अपने ही गुर्गों को बेरहमी से मारपीट करने का वीडियो बनवाते हैं, इसके बाद दहशत फैलाने के लिए उसे वायरल कराते हैं। हाल ही में कुख्यात बदमाश जुबैर मौलाना का जीप के बोनट पर खड़े होकर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इसी तरह गैंगस्टर मुख्तार मलिक के बेटे यासीन मलिक का जेल से रिहा होने के बाद सड़क पर जश्न मनाने का वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि पुलिस ने यासीन के खिलाफ अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया है।